व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ आराम खान एंड आई बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझसे अक्सर कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे चैनल पर कॉपीराइट है, हमारे वीडियोस पर कॉपीराइट है, तो क्या हम इन फ्यूचर अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। आप में से काफ़ी सारे जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनके माइंड में भी ये ख्याल आता होगा कि अगर चैनल पर या वीडियोज़ पर कॉपीराइट है तो मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो नहीं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली डिटेल में बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट होने से या वीडियोज़ पर कॉपीराइट होने से आपके चैनल पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं, और इफेक्ट पड़ता है तो कितना इफेक्ट पड़ता है, कि मोनेटाइजेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग जो क्वेश्चंस मुझसे या अपने फेवरेट यूट्यूबर से पूछते हैं जाकर, वो क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे चैनल पर कॉपीराइट है, मेरी वीडियोस पर कॉपीराइट है, तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब पर कॉपीराइट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। कॉपीराइट को यूट्यूब पर चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला होता है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, दूसरा होता है कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग स्ट्राइक, तीसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक एंड चौथा होता है कॉपीराइट क्लेम। तो चलिए बात करते हैं नंबर वन कॉपीराइट क्लेम के बारे में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर कोई वीडियोस बना रहे हैं और आपने अपनी वीडियोस पर कोई म्यूजिक कोई फोटो यूज कर लिया और वो कॉपीराइट फ्री नहीं था, तो उस सिचुएशन में आपको वो कंपनी का ओनर जिसका म्यूजिक या फोटो आपने यूज किया है वो आपको कॉपीराइट क्लेम सेंड कर देता है। अब जब कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स डर के हमारे अपनी वीडियो को वहां से डिलीट कर देते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आ गया, डिलीट कर देंगे तो वीडियो रिमूव हो जाएगी और कॉपीराइट क्लेम भी रिमूव हो जाएगा। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम है तो आपको मोनेटाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन है गाइस। अगर आपने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो बनाई, उसमें कंटेंट आपका खुद है, जैसे मैं आपके सामने रूबरू होकर खुद ही से बात कर रहा हूँ, मेरी ओरिजिनल वीडियो है, सेटअप भी मेरा खुद ही का है, आवाज़ भी मेरी है, वीडियो भी मेरी है, लेकिन इस वीडियो में मैंने कोई सॉन्ग यूज़ कर लिया, जो कोई फोटो यूज़ कर लिया जो कि कॉपीराइट फ्री नहीं था, तो मुझे यूट्यूब पर मिल जाएगा कॉपीराइट क्लेम। लेकिन इन दिस सिचुएशन में अगर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूँगा तो मेरा मोनेटाइजेशन आसानी से अप्लाई हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वीडियो में फेस कैम वीडियो है, सब कुछ मेरा है, बस मैंने सॉन्ग दूसरा यूज़ कर लिया था या मैंने फोटो दूसरा यूज़ कर लिया था। अदर केस गाइस, आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाई, मान लीजिए आपने यूट्यूब पर कहीं से कुछ फोटोज़ कलेक्ट कर लिए या कहीं से किसी वीडियोस के पार्ट्स कलेक्ट कर लिए, उनको ट्रिम करके एक स्लाइड टाइप की वीडियो बना ली और उसमें कोई सॉन्ग भी दूसरा यूज़ कर लिया, किसी बॉलीवुड मूवी का या कोई दूसरा सॉन्ग ऐसा यूज़ कर लिया जो कॉपीराइट फ्री नहीं है, और आपने कंबाइन करके एडिटिंग करके एक वीडियो बड़ी ऐसी बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दी, जाहिर सी बात है इसमें कॉपीराइट क्लेम आपको मिल जाएगा, क्योंकि सॉन्ग भी आपका खुद का नहीं था, फोटोज़ भी आपके खुद के नहीं थे, और जो वीडियोज़ की क्लिप डाले वो भी आपके खुद के नहीं थे। इन दिस केस गाइस, जब भी आप यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो कभी भी आपका मोनेटाइजेशन अप्लाई नहीं किया जाएगा, आपका मोनेटाइजेशन वहां पर तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरी इन दोनों बातों को ध्यान रखिए गाइस, अगर आपने यूट्यूब पर खुद की वीडियो बनाई है, कोई सॉन्ग या फोटोज यूज कर लिया है, कॉपीराइट क्लेम मिला है, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वीडियो में आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ दूसरे लोगों का है, कॉपीराइट फ्री नहीं है, तो उस वीडियो में जो क्लेम मिलेगा उसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं गाइस यूट्यूब की बाकी के तीन स्ट्राइक्स के बारे में, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, वार्निंग स्ट्राइक एंड कॉपीराइट स्ट्राइक। तो गाइस, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, वार्निंग स्ट्राइक और कॉपीराइट स्ट्राइक में से यूट्यूब का कहना है कि अगर आपके चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आई हुई है, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक तब आती है जब हम यूट्यूब की किसी पॉलिसी को वॉलेंट कर देते हैं, यूट्यूब की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट वर्क कर देते हैं। तो अगर आपके चैनल पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आई हुई है और वो एक्टिव है, मतलब अभी भी आपके चैनल पर है, तो इन दिस सिचुएशन आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पर आपका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन अदर केस, अगर आपके चैनल पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आई और वो रिमूव हो गई एक महीने, दो महीने, तीन महीने बाद, जो भी उसका क्राइटेरिया है, रिमूव होने के बाद आप अपने चैनल को अप्लाई करेंगे तो आपका मोनेटाइजेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ गाइज, यूट्यूब ने बताया कि अगर आपके चैनल पर कोई वार्निंग स्ट्राइक है या कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है, वार्निंग स्ट्राइक या कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पर है और आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल सक्सेसफुल मोनेटाइज हो जाएगा, वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान रखिए गाइस, अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है, कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है या कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग स्ट्राइक आई हुई है, तो इन सिचुएशन में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आई हुई है यूट्यूब की तरफ से और वो अभी भी एक्टिव है, तो प्लीज़ अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा उस कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक के रिमूव होने का। जब वो स्ट्राइक रिमूव हो जाए तो उसके बाद आप आसानी से अपने चैनल को अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेसफुली आपका मोनेटाइजेशन अप्लाई हो जाएगा। आई होप आप लोग भी यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के बाद अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें और सक्सेसफुली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन आप ही के लिए दे रखा है, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। सो मिलता हूं आपसे फिर किसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।